तो आज का श्लोक है, इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केचित केवल या भक्त्या, केवल भक्ति के द्वारा और कोई दूसरी विधि नहीं है। तो पहले जो भगवान ने बताई थी, सुखदेव गोस्वामी ने बताई थी, वो कर्मकांड की विधि बतलाई थी। तो कर्मकांड की विधि में बहुत से प्रायश्चित और बड़े कठोर कठोर नियम हैं, और उनसे जो है आप जो है अपने पापों को जो है नष्ट करते हैं। लेकिन फिर उसको परीक्षित महाराज ने उसको कैंसिल कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि बेकार है विधि, कि हाथी जैसे स्नान करता है और फिर बाद में धूल डाल देता है, उसी प्रकार प्रायश्चित के द्वारा कोई व्यक्ति अगर पापों को दूर करता है और पाप करने की वासना दूर नहीं होती है तो फिर से पाप करेगा, तो क्या फ़ायदा। तो कर्मकांड की विधि बेकार है, परीक्षित महाराज ने उसको बहिष्कार कर दिया। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ज्ञान कांड की विधि बताते हैं, तपसा ब्रह्मचर्यण समय ने चाह दमे ने चाह, तो ये ज्ञान योग की विधि है। तो इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे जंगल की आग बांसों के जो है सब जितने भी बांस के पेड़ हैं उन सबको जो है जला डालती है जंगल की आग, है ना। तो परीक्षित महाराज फिर उसमें भी जो है आपत्ति उठाते हैं कि आग जो है जंगल की आग है बांसों के जो है पूरे वृक्षों को जला डालती है, लेकिन आगे चलकर जब बरसात होगी तो फिर से उगाएंगे, क्योंकि जड़ तो उसकी जो है नष्ट हुई नहीं, जड़ तो नहीं जली, तो जड़ है तो इसलिए फिर से उगाएंगे। तो ज्ञान योग की विधि के द्वारा आप पापों को पूरा नष्ट कर सकते हैं, लेकिन पाप करने की जो वासना है जड़ है तो वो नष्ट नहीं होती है, तो फिर से पाप होते हैं, तो कोई फायदा नहीं। अब सुखदेव गोस्वामी तीसरी विधि बताते हैं, केचित केवल या भक्त्या, कि केवल केवल भक्ति के द्वारा वासुदेव परायण अघम धनवंत कार्थनेन, कार्थनेन कार्थनेन मतलब पूरी तरह से जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी जड़ से ही नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की जो वासना है वो भी नष्ट हो जाती है, इसको कहते हैं कार्थनेन अघम धनवंत कार्थनेन। और कैसे, निहारम एव भास्कर, कि सूर्य के जो है सूर्य के द्वारा कोहरा नष्ट हो जाता है, तो सूर्य के द्वारा जब कोहरा नष्ट हो जाता है तो फिर वो जो है दोबारा नहीं आता, सूर्य रहेगा तो कोहरा कभी नहीं रहेगा। तो फिर प्रभुपाद जो है वो श्लोक उद्धृत करते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण को अगर हमेशा अपने सामने रहते रखते हो तो माया का अंधकार रहेगा ही नहीं, है ना। तो ये विधि जो है आपकी परमानेंट, आप हमेशा के लिए आप जो है आपकी रक्षा हो जाती है, दोबारा फिर जो है कुछ होगा ही नहीं है। तो वासुदेव परायण, लेकिन समस्या यही है कि आपको जो है विनम्र होना है, आप छोटे हैं तो अपने को छोटा ही समझिए, है ना। तो समस्या यही होती है कि जो कर्मकांड की विधि ज्ञान कांड की विधि लोग क्यों अपनाते हैं, भक्तियों की विधि क्यों नहीं अपनाते हैं। तो विधि यही है, समस्या यही है कि भक्ति में आपको जो है शुरू में ही छोटा बनना है, और जब आप छोटे हैं आप बहुत ही तुच्छ हैं, तृणाद अभी सुनी से, तो आप अगर हैं तो आप उसी प्रकार से अगर आप समझें तो आप जो है तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं, तो फिर आप जो है अनर्थों से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। और भगवान अगर बड़े हैं और बड़े से बड़े हैं तो आप उनको उसी प्रकार मान लीजिए। तो प्रभुपाद ने बड़ी अच्छी मुक्ति की परिभाषा दी कि ये केवल आपको ये समझना है, ये गलत जो आपके विचार हैं उनको आप दूर कर दो तो आप मुक्त हैं। जब गलत विचारों को आप पकड़े हैं तो हर व्यक्ति जो है क्या है, गलत विचारों को पकड़े है उसमें आसक्त है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा बनना है। हर व्यक्ति के अंदर यही जो है विचार रहता है कि मुझे बड़ा बनना है, उसको बोलते हैं हॉबी, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारी है ना ये मनोकामना क्या है तुम्हारी, ये है ना। तो इस तरह से जो है हर व्यक्ति अपने अपने जो है वो बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं जीवन का, कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे भोक्ता बनना है, और मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। यहाँ पर डिपेंड पर परायण का मतलब आप डिपेंड रहो भगवान के डिपेंड, तो अगर आप भगवान के डिपेंड रहते हैं तो आपका जो है फिर कहाँ मतलब आप बड़े बने, तो आप बड़े नहीं बनते आप छोटे बनते हैं। तो लोग जो है फिर इसलिए नफरत करते हैं, भक्ति से नफरत करते हैं। ये भक्त लोग जो है क्या है, ये जो है बहुत छोटे बनते हैं, अपने में छोटे बनते हैं, फिर मनुष्य जीवन का क्या फ़ायदा है। मनुष्य जीवन में तो भाई बड़ी चीज़ हासिल करो, बड़े बनो, बड़े बनो, बिकम ग्रेट, बिकम ग्रेट। तो भक्त लोग तो जो है शुरू से छोटे बनते हैं और छोटे से भी और छोटे बनते हैं, है ना, दास दासानु दास, और दास के दास, और दास के दास, उससे भी नीचे, उससे भी नीचे,
है ना, तो लोग जो है सोचते हैं भक्ति योग की विधि बेकार है। इसलिए लोग भक्ति, तो वासुदेव परायणा केवल यही चीज़ है कि आप जो है छोटे बन जाइए, है ना, और सुनिए। तब नीचे बैठ करके जमीन में बैठ करके आप सुनते हैं, तो कोई व्यक्ति जमीन में बैठने के लिए तैयार नहीं है, उसको जो है हमेशा कुर्सी चाहिए, सोफा चाहिए, ये चाहिए। किसी में कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे तो आप यहाँ बैठाएंगे नीचे, तो कहेगा ये क्या तरीका है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ यहाँ नीचे बैठा रहे, मंदिर में नीचे बैठा रहे, जमीन में बैठा रहे, मैं जमीन में बैठने के लिए आया हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जमीन में बैठूँगा क्या, मुझे इसलिए बुलाया है, जमीन में बैठने के लिए बुलाया। तो यही विधि है, आप मुक्त हो जाएंगे, आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। आप नीचे बैठिए और सुनिए, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, हर व्यक्ति सुनाने के लिए तैयार है। मैं ज्ञान देना चाहता हूँ, मैं उपदेश देना चाहता हूँ, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, अपना सम्मान बढ़ता है, मैं सुनाता हूँ तो बड़ा बनता हूँ, सम्मान बढ़ता है, और सुनता हूँ तो मेरा महत्व घटता है ना। तो क्या मैं सुनने के लिए आया हूँ, मैं ज्ञान देने के लिए आया हूँ। तो वासुदेव परायण, बस यही समस्या है कि आपको जो है अपना अहंकार छोड़ना है, तो फिर जो है आप मुक्त हैं। आप जो है भगवान के बारे में सुनिए, भगवान की महिमा को सुनिए, है ना। और इसमें अगर आपको आनंद आने लगा तो बस ये क्या हो गया, आपका जो है वो मतलब रस आ गया, अब आपकी आसक्ति हो गई, इसमें आसक्ति हो गई कि आप कितना सुनते हैं, और कितना सुनते हैं और भगवान की महिमा सुनते हैं, उसमें आप आनंद लेते हैं, रसास्वादन करते हैं। ये रस फिर जो है कभी समाप्त नहीं होता है, ये सुख जो है क्या है, इसका अंत ही नहीं होता है। बाकी जितने भौतिक सुख हैं उनका अंत हो जाता है। तो यही जो है श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी ने जब बताया, तो परीक्षित महाराज संतुष्ट हुए कि हाँ ये कुछ बात हुई। परीक्षित महाराज कहते हैं हाँ ये कुछ बात हुई। तो महाभागवत, परीक्षित महाराज महाभागवत है, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित की जोड़ी बहुत बढ़िया है, श्रोता और वक्ता। तो जो परीक्षित महाराज सुनना चाहते थे वो सुखदेव गोस्वामी ने जब बताई तो वो जो है मान गए कि हाँ ये सही है। इस तरह से फिर आगे सुखदेव गोस्वामी फिर जो है कथा अजामिल की जो कथा है वो प्रारंभ करते हैं कि अजामिल की जो है कैसे रक्षा हुई, है ना। तो ये जो है भगवान की मतलब कितनी शक्ति, उनके नाम में कितनी शक्ति है, ये फिर हमें ये मिलता है। श्रीमद् भागवत का जो है महात्म्य जो बताया जाता है भागवत की विशेषता, तो एक विशेषता ये भी भागवत की कि इसमें अजामिल की कथा है। वाह, अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत में ही मिलती है ना। तो दूसरी जगह मिलती होगी, लेकिन जिस तरह से भागवत में अजामिल की कथा बताई गई है ऐसी कथा और कहीं नहीं मिलेगी, है ना। तो बहुत मतलब इसमें रक्षा की बात बताई गई कि बड़ी भारी रक्षा होती है कि हम जो है भगवान के नाम का भी जो है, अगर शुद्ध नाम भी नहीं है तो भी जो है रक्षा कर देता है नाम, शुद्ध नाम भी नहीं। अजामिल ने शुद्ध नाम भी नहीं लिया, है ना। लेकिन हाँ, नाम अपराधों से बचना है। अजामिल ने नामाभास किया तो नामाभास से भी आपकी मुक्ति हो जाएगी और आप की रक्षा हो जाएगी, लेकिन नाम अपराध नहीं करना। तो अजामिल की कथा में नाम अपराध नहीं है, नामाभास है, है ना। तो नामाभास से अगर आप शुरू करते हैं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये जो है बहुत बड़ी रक्षा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री